दिस सिमरन, तुम उस चीची के डर से अपना पिकनिक का प्रोग्राम फ्लॉप करोगी। अरे नहीं काजल, अगर चीची सिद्धू का ख्याल रखेगी तो मेरी मैरिड लाइफ का प्रोग्राम फ्लॉप नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग उस चीची को भी अपने साथ पिकनिक पर ले जाते हैं। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। वाह काजल, क्या आइडिया है। ना ही चीची नाम का बास यहाँ रहेगा और ना ही सिद्धू किशन का कन्हैया बनकर बांसुरी बजा सकेगा। Yes! नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा, क्यों नहीं हो सकता चीची? सिर्फ 3 दिन की तो बात है। सिमरन प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे मेरी नई नई जॉब लगी है और मेरा बॉस मुझसे इतना इंप्रेस है कि मुझे 3 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, और तुम 3 दिन की बात करती हो। यानी कि तुम्हारे पास सिद्धू का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, राइट? रॉन्ग। सिद्धू के लिए तो मैं अपने बॉस को भी छोड़ सकती हूँ। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ ना। यही तो प्रॉब्लम है। क्या? कुछ नहीं। काजल, अगर चीची पिकनिक नहीं आएगी ना तो मैं भी नहीं आऊंगी। डोंट बी सिली सिमरन। देखो, अगर चीची पिकनिक नहीं आती तो हम सिद्धू को ही कहीं पार्सल कर देते हैं। हाँ, उसके आई बाबा के पास। अरे नहीं भाई, वो टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान का कार्टून जैसा एडिटर है ना, वो सिद्धू को नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या हुआ सुमन आंटी, डेली सोप के राइटर की तरह इतना कंफ्यूज क्यों है? आउट सैटेलाइट, तुम्हारी सिमरन आंटी इस कंफ्यूजन में है कि वो पिकनिक में आए या ना आए। सो द पॉइंट इज टू गो और नॉट टू गो, तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? अरे सैटेलाइट, कंफ्यूजन ये है कि मेरी गैर हाजिरी में सिद्धू यहाँ अकेला होगा। और चीची आंटी भी, और आपको डर इस बात का है कि कहीं जब आप वहाँ पिकनिक मना रही हो तब सिद्धू अंकल यहाँ चीची आंटी के साथ पिकनिक ना मनाए, राइट? राइट, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? वो इसीलिए क्योंकि अभी अभी इस 1 मिनट की 1 लाइन पे 1 घंटे का पूरा एपिसोड देकर आ रहा हूँ मैं। लेकिन सिमरन आंटी, ये वक्त डरने का नहीं, डराने का है। डराने का? हाँ, आप बस चीची आंटी को यहाँ तक बुलाओ, फिर देखो तमाशा। ऐसा प्रोग्राम सेट करूंगा कि वो दम दबाकर यहाँ से ऑफ एयर हो जाएगी। ये लो, इसी बात पे गाजर खाओ। थैंक यू सैटेलाइट। सिमरन, सिमरन, वेयर आर यू? चीची आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। सिमरन, ये सब क्या है? ये अंधेरा, ये कैंडल्स और ये सफेद कपड़े? शोक। शोक? शोक नहीं, शोक। हम चंपाकली की मौत का शोक मना रहे हैं। ये चंपाकली कौन है? ये बड़ी छोटी कहानी है। अगर आप इस पे हॉरर सीरियल बनाओगे तो कम से कम 500 एपिसोड तो बन ही जाएंगे। आज जिस फ्लैट में तुम रहती हो वहां रहती थी चंपाकली, और उसकी एक बहू थी बिल्कुल ललिता पवार की तरह, और उसका नाम था रामकली। रामकली को रोज सवेरे दूध लाने वाले भैया जी से प्यार हो गया, लेकिन चंपाकली उससे नफरत करने लगी क्योंकि वो दूध में पानी। और एक दिन चंपाकली ने उसे खूब डांटा। रामकली को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं। और फिर बहू रामकली ने सास चंपाकली को केरोसिन डाल के जला दिया। और फिर अपने प्यारे दूध वाले भैया के साथ उसकी भैंस पर बैठकर वो चंबल भाग गई। और फिर इस कहानी पर चंबल की चंपाकली इस नाम की एक सुपरहिट फिल्म भी बनी। आपने देखी थी? नहीं नहीं। तो अब देख लेना लेट नाइट शो, वो भी लाइव चंपाकली के साथ। चंपाकली के साथ? लेकिन चंपाकली तो मर गई है ना। मगर अभी भी उसकी आत्मा भटकती है उसी फ्लैट में जिसमें तुम रहती हो। फ्लैट में? हाँ, और हर पूर्णमासी की रात को वो किसी जवान लड़की को पकड़कर जबरदस्ती उसे चंबल की चंपाकली का VHS दिखाती है। सराउंड साउंड सिस्टम के साथ। और अगली सुबह वो फ्लैट फिर से खाली हो जाता है अगले किराएदार के लिए। तुम लोग सच बोल रहे हो ना? चंपाकली की कसम। हॉरर शो देखने के लिए तैयार हो जाओ चीची आंटी। नहीं, नहीं, मुझे कोई हॉरर शो नहीं देखना है। मैं
मैं आज ही अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच, बाय। बस बस गई। देखा सिमरन आंटी, ये चीची आंटी कैसे लो बजट वाले रीजनल चैनल की तरह ऑफ एयर हो गई। यस, थैंक यू सैटेलाइट, अब मैं पिकनिक जा सकती हूँ। Okay, darling. Go and enjoy yourself. And we will too. I mean, miss you here. Sachi? Muchi, darling. तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना miss करूँगा. सिद्धू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी. वैसे सिमरन की सबसे बड़ी चिंता को तो हमने दूर कर दिया है. क्यों सिमरन? अब ये सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? अब वो कुछ नहीं. देखो सिद्धू, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? नो लेट नाइट्स, नो आउटिंग्स एंड नो ड्रिंकिंग, ओके? ओके ओके डार्लिंग। यू टू राहुल। मी टू। हां हां ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हारे बिना कैसी लेट नाइट्स, कैसी आउटिंग्स, नो वे। एंड बाय द वे सिद्धू, वो कल दूध वाला आएगा ना, उसका हिसाब कर देना, पिछले महीने के उसके 5 रुपए भी देने हैं मुझे। तुम भी धोबी से गिन के कपड़े लेना, और वो मेरी नई वाली ड्रेस है ना, उसे बराबर चेक करके लेना, ओके? ओके। और हाँ सिद्धू, घर में शक्कर नहीं है तो बनिए से तुम शक्कर ले लेना, और हाँ, शक्कर को चाय वाले लेबल के डब्बे में डालना, क्योंकि शक्कर वाले लेबल के डब्बे में मैंने नमक डाला है, ओके? मतलब चींटियों को बेवकूफ बनाने के लिए ना? तुमको मजाक सूझ रहा है और मुझे चिंता हो रही है कि तुम ये सब कुछ कर भी पाओगे कि नहीं। अरे कर लेंगे ना डार्लिंग, अब तुम जाओ क्यों राहुल? नो प्रॉब्लम्स, वी विल मैनेज एवरीथिंग। सिमरन जल्दी चलो, बस छूट जाएगी तो मैं लेट। हाँ हाँ सिद्धू, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अब तुम जल्दी जाओ और खूब एंजॉय करना, ओके? ओके, बाय बाय। सब कुछ ले लिया ना हमने? चलो चलो चलो, बाय बाय बाय, टेक केयर। हां आई विल टेक केयर, आई टेक केयर, ओके बाय बाय बाय। We are free birds at last. Free birds, free birds, free, free, free birds, free birds. चिड़ी मार भाई साहब, ठीक है, बीवी के जाते ही शेर बन गया आप। अरे एक राज की बात बताऊं, मैं तो काजल के जाने का इंतजार कर रहा था। अच्छा भाई, अब काजल गई, मैं भी चला। कहाँ जा रहे हैं मंचले साहब? अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलता तू, आज रात को फ्रिक आउट मारे? भैया मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो घर में ही अच्छा हूँ। तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा तो हम चलते हैं। वाह बेचारी काजल, कितना भरोसा करती है इस पे। और ये है कि, लेकिन मैं सिमरन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई लव यू स्वीटहार्ट, आई मिस यू। अरे यार ये रोज रात को सिमरन के ताने सुने बगैर नींद ही नहीं आती कमबख्त, क्या करूं? खुद ही खुद को ताने दूं क्या? नहीं 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 नहीं, अरे उसमें सिमरन के तानों जैसा मजा कहां, तो फिर क्या करूं जिससे नींद आ जाए। आए ये नींद आजकल डोरबेल बजाकर दरवाजे से अंदर आने लगी है क्या? यार हाँ? अरे यार ये नींद की बजाय नींद का दुश्मन क्यों आ गया है? क्यों? अच्छा हुआ आप अभी तक सोए नहीं। अरे यार तो क्यों मेरी नींद का दुश्मन बना हुआ है, क्या काम है? टीवी देखना है। अरे तो अपने घर में जाके देखो ना। नहीं घर में नहीं देख सकता, मम्मी ना कहती है। ऐसा क्या देखना है? पति पत्नी और वो। अरे ऐसी फिल्में बच्चे नहीं देखते, चलो। तो आप मत देखना ना, पर मुझे तो देखने दो। मैंने कहा ना नहीं, चलो। अंकल प्लीज, मुझे पति पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो की एंट्री हो जाने दो, उसे देखकर मैं अपने आप चला जाऊंगा। यार प्लीज यार तुम मुझे तंग मत करो, चलो जाओ अपने घर जाओ तुम, चलो निकलो बाहर यहाँ से। अच्छा तो वो की एंट्री हो गई, वो भी लाइव, पति पत्नी और वो लाइव, इसीलिए मुझे भगा रहे थे ना। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये तो विदाउट लव ही वॉर करवाएगा, सैटेलाइट देख। नो 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 सिद्धू अंकल, अच्छे बच्चे ऐसी फिल्म्स नहीं देखते। सैटेलाइट सिद्धू मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आओ अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो चीची? यहाँ नहीं आऊँ तो और कहाँ जाऊँ सिद्धू? अरे अपने घर जाओ ना सिद्धू, वहाँ अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा तो किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ चले जाओ। जाओ। गई थी लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई है। तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाओ। वही तो आई हूँ सिद्धू, यू आर माई ओनली बॉयफ्रेंड इन टाउन, प्लीज मुझे आज की रात यहीं रहने दो ना। व्हाट? अरे सिमरन घर में नहीं है, तुम रात भर यहाँ रहोगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या तुम्हें लोगों की पड़ी है और मेरी कोई परवाह ही नहीं है?
सिद्धू, अगर वहां अकेले मेरा दम घुट गया तो? तो अच्छा ठीक है यार, तुम एक काम करो, तुम यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाओ, मैं वहां बेडरूम में सो जाता हूँ। तुम मुझे यहाँ सोफे पे सुलाओगे? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं यहाँ ड्राइंग रूम में ड्राइंग करता करता सो जाऊंगा। ओके थैंक यू। अरे यार ये जरूर कुछ पंगा करवाएगी। सिद्धू सो गए क्या? नहीं, आंखें बंद करके योगा कर रहा हूँ। उठो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, हम बातें करेंगे, उठो ना। यार आधी रात को मैं तुमसे क्या बातें करूं? अरे तुमने सिमरन का नाइट सूट पहन लिया? हाँ, फिर भी नींद नहीं आ रही है, मुझसे बातें करो ना प्लीज। अरे यार क्या बातें करूं, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉफी बना के लेके आती हूँ, फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। ओके ओ, अरे यार ये सारे के सारे लोग मेरी नींद के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हेलो, क्यों हीरो, क्या चल रहा है? अरे यार जो एक अकेला आदमी आधी रात को कर सकता है, सो रहा हूँ मैं। ची 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 ची, अरे देख मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, यहाँ आ जा, यहाँ पे शराब भी है, शबाब भी है और कबाब भी है। यार मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है राहुल, यू एंजॉय योरसेल्फ। ओके नहीं नहीं, सिद्धू शक्कर कितनी लोगे? 2 चम्मच। ओ तो आपके यहाँ शबाब भी है? हाँ बेटा, आधी रात को अकेला आदमी यही तो करेगा। कौन है ये शक्कर की बोरी? अरे यार कोई शक्कर की बोरी नहीं है, वो तो टीवी 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 चालू है, टीवी चालू है। हाँ मालूम है बेटा, मालूम है कौन चालू है। आधी रात को बीवी की गैर हाजिरी में ऐसे चालू टीवी मैंने बहुत देखे हैं। Can never mind, you enjoy yourself. अगर मेरा मूड हुआ तो मैं भी डिस्टर्ब करने आ जाऊंगा। राहुल All right, dear. Let's enjoy a coffee. क्या हुआ सिद्धू? अरे यार ये कॉफी इतनी खारी क्यों है? इसमें क्या शक्कर की जगह नमक डाल दिया तुमने? नहीं मैंने तो लेबल देखकर शक्कर डाली थी। लेबल देखकर? बस कर दी ना गड़बड़ तुमने। अरे शक्कर का लेबल लगे डिब्बे में नमक था। ओ, तभी मैं सोचूं कि सिमरन ने इतनी पिसी हुई शक्कर क्यों रखी है। देखा, how jealous she is. वो चाहती नहीं है कि हम लोग एक अच्छी कप कॉफी पिए। अच्छा अच्छा ठीक है चीची, अब तुम जाओ और सो जाओ। अकेले? What? मेरा मतलब मुझे अकेले नींद नहीं आती है, मेरे साथ बातें करो ना प्लीज। अरे यार अब मैं आधी रात को तुमसे क्या बातें करूं? कुछ अपने बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, 30 साल पहले जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे पिताजी हॉस्पिटल की लॉबी में चक्कर काट रहे थे, इतने में वहां से एक डॉक्टर। इतना फ्लैशबैक नहीं, थोड़ा पास आओ, थोड़ा आगे आके बताओ। हाँ 1 साल पहले की बात है, और फिर एक दिन सिमरन ने मुझसे शादी करने का सोच लिया। सिद्धू इतना आगे मत आओ, थोड़ा पीछे जाके बताओ। मतलब अपनी लाइफ, अपने करियर के बारे में कुछ और बताओ ना। ठीक है बताता हूँ, 25 साल पहले की बात है, मेरा स्कूल में पहला दिन था, मुझे याद है मैं हाफ पैंट पहन कर गया था, ब्लू हाफ पैंट, व्हाइट शर्ट, रेड स्कूल बैग, ग्रीन वाटर बॉटल। लेकिन उस दिन हमारी बस बहुत लेट आई थी क्योंकि उस दिन हमारे ड्राइवर की बीवी का बच्चा हुआ था। बस फिर मैं आर्ट्स कॉलेज से फुल पैंट पहनकर बाहर निकला। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ सुंदर लड़कियों की पेंटिंग्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी सुंदर लड़कियां मिली, ऐसी ऐसी सुंदर लड़कियां मिली कि मैं कार्टून बनाने लगा, और इस तरह शुरुआत हुई मेरे कार्टूनिस्ट करियर की। और फिर चीची चीची ये तो सो गई, थैंक गॉड, अब मैं जाकर बेडरूम में सोता हूं। ओह नो राहुल, अरे यार अगर राहुल ने मुझे और चीची को इतनी रात को इस कमरे में देख लिया तो मर गए, एक बार उसे शक हो गया ना तो वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। चीची चीची चीची, अरे यार ये तो कुत्ते बिल्ली घोड़े सब बेचकर सो गई है। या, कमिंग 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 भैया कमिंग, अरे आ रहा हूं। अरे बाप रे इतनी भारी है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है ये। अरे कमिंग भैया कमिंग, इस राहुल के बच्चे को ना बेडरूम से दूर ही रखना पड़ेगा वरना। अरे आ रहा हूं भाई, अरे आ रहा हूं यार। हेलो बेटा। मम्मी जी आप इतनी रात को यहाँ?
जा, मैं सिंगापुर जा रही थी, कनेक्टिंग फ्लाइट सुबह की थी, सोचा तुम लोगों से मिल लूं। सिमरन कहाँ है? बेडरूम में होगी, मैं उसे अभी। नहीं 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 मम्मी जी, नहीं नहीं नहीं, वो बेडरूम में सिमरन नहीं है, वहां तो कोई नहीं है वहां पे तो कोई नहीं है, सिमरन तो पिकनिक पे गई है। ठीक है, तो मैं जाके बेडरूम में रेस्ट करती हूँ, तो मुझे 4 बजे जगा देना बेटा, मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट है। नहीं 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 मम्मी जी, आप यहीं सो जाओ ना, ड्राइंग रूम में, यहीं सोफे पे सो जाओ। लेकिन बेटा एसी तो बेडरूम में है ना। अरे अगर आप बेडरूम में गई तो मेरी तो एसी तेजी हो जाएगी, मेरी लाइफ बिखर जाएगी। क्यों? मतलब वो क्या है कि वो बेड पे बहुत सारे कार्टून बिखरे हुए हैं ना, तो इसलिए आप यहीं सो जाओ। तुम मुझे हॉल में सुलाओगे? अगर मेरी बेटी यहाँ होती तो तुम्हें बताती। अरे अगर आपकी बेटी यहाँ होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ओ नो, राहुल, मम्मी जी आपको सिमरन की कसम है, आप बेडरूम में मत जाना। अच्छा पानी तो पी सकती हूँ ना? आप जाइए किचन में पानी पी लीजिए। सिमरन तुम? हाँ मैं सिद्धू। वो क्या हुआ ना, हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई क्योंकि हमारे बस का साइलेंसर फट गया। अरे यार अब तो मेरा साइलेंसर फटने वाला है। हमने नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा आई हुई है। मम्मा मम्मा सिमू कैसी हुआ? स्लिम एंड ट्रिम। सिंगापुर जा रही हूँ स्लिमिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, तुझे लेने आई हूँ, बहुत मोटी होगी आजकल। अरे मैं तो यहाँ खड़े खड़े स्लिम हो रहा हूँ। माँ सिंगापुर के बारे में बाद में सोचेंगे, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। सिमरन नहीं 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 बाथरूम में मत जाओ, वो क्या है कि वहाँ पे छिपकली है बाथरूम में। अरे भाई तो दवा डाल दो ना। अरे दवाई तो अब यहाँ पीने का वक्त आ गया है। क्या अब और इतना शोरगुल कर रहा है यहाँ पर? ओ तो ये कार्टून बिखरी पड़ी थी बेडरूम में और ये थी छिपकली बाथरूम में। चीट मम्मा। चीची चीची वाह चीची वाह, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बाथरूम में, मेरा ही नाइट सूट पहनकर मेरे ही हस्बैंड के साथ चीची। अब नहीं नहीं नहीं, नहीं सिमरन, इसमें चीची जैसी तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं अंदर तो तुम लोग भजन कीर्तन कर रहे थे ना सिद्धू, हम तो तुम्हें शरीफ आदमी समझते थे, यही बताया था इसने मुझे। लेकिन तुम तो एकदम फ्लर्ट निकले, इतनी रात गए एक गैर लड़की तुम्हारे बेडरूम में, तौबा तौबा तौबा। एक्सक्यूज मी, मैं गैर नहीं हूँ, मैं सिद्धू की बेस्ट फ्रेंड चीची हूँ। तो बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या सीधे बेडरूम में घुस जाओगी? ओह गॉड गिव मी अ ब्रेक। आंटी जी मैं यहाँ अपने शौक से सोने नहीं आई थी, मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मेरे घर में भूत है। भूत? हाँ मेरे घर में चंपाकली का भूत है। चंपाकली? ये चंपाकली कौन है? रामकली की बहू। अब ये रामकली कौन है? चंपाकली की बहू, और चंपाकली को जिसने जलाकर मतलब मार दिया था। हाँ। ये चंपाकली रामकली, ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? सच में सिद्धू हर पूर्णमासी की रात को मेरे घर में चंपाकली का भूत आता है, इसीलिए मैं यहाँ सोने आई थी। अरे यार ये सब तुमको किस घन चक्कर ने बताया है? हा? किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? सिमरन ने। हाँ थैंक यू सिमरन, तुमने मुझे चंपाकली के भूत से बचा लिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सिद्धू। बाय। पैसे कपड़े मेरे हैं। हाँ पता है। बाय। क्या सिमरन क्या बेहुदी बातें तुमने बताई उसे? मैं बताता हूँ मम्मी जी आपको, एक्सक्यूज मी, ये सब इसने इसलिए किया है ताकि चीची यहाँ से डर के कुछ दिनों के लिए चली जाए, है ना सिमरन? आई नो यू, लेकिन इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नहीं सिद्धू इस बार मैंने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया। ओ सिमरन। ओ सिद्धू आई लव यू नहीं कहोगे? आई लव यू सिमरन। आई लव यू सिद्धू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।